नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,53,000 नए कोरोना मरीज मिले और 2,812 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान चली गई। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीज और कोविड से होने वाले मौतों की सबसे अधिक संख्या है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह शमशान घाट पर जगह नहीं होने के चलते पार्कों में शवों का अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं सहारनपुर की, तो आपको बता दें जनपद सहारनपुर में फिर से हालात पिछले साल जैसे बनते नजर आ रहे हैं। लगातार चौथे दिन सहारनपुर में आज फिर कोरोना के आंकड़े 500 के करीब सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज सहारनपुर में 498 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर सहारनपुर में 15,412 पहुंच गए, जो कि काफी चिंताजनक है। हालांकि आज मिले संक्रमित 16 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के शामिल रहे। वहीं आपको राहत की बात बता दें, आज 118 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अब सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या 3,503 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें सहारनपुर में आज हमें शमशान घाटों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सहारनपुर में 16 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 4 का अंतिम संस्कार नुमाइश कैंप के अंतिम संस्कार सवदाह गृह में किया गया। वहीं 3 का अंतिम संस्कार हकीकत नगर में किया गया और इसके अलावा 9 का अंतिम संस्कार अंबाला रोड स्थित सवदाह गृह में किया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं सहारनपुर में आज 16 मौतें दर्ज की गई हैं कोरोना से, जो कि सर्वाधिक आंकड़ा है इस माह का या पिछले साल की बात हम अगर लें तो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारनपुर में भी बढ़ते कोरोना के आंकड़े और लगातार मौत के आंकड़े, स्थिति बहुत ही भयावह पैदा होती जा रही है। इसीलिए सावधानी जरूर बरतें। सिटी वेब सभी जनपदवासियों से लगातार अपील करता रहा है कि कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी का पालन करना और मास्क का प्रयोग करना। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।